स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम के चर्चा का विषय है कि वर्तमान की आर्थिक व्यवस्था की डवाडोल होती स्थिति। आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी बात की चर्चा करेंगे और उन सारे तथ्यों के और आंकड़ों की समीक्षा करेंगे। जीडीपी के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। पिछले 17 वर्षों में जीडीपी वर्तमान में अभी सबसे निचले स्तर पर है। माना जा रहा है जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% के भी नीचे है। कई ऐसे अन्य और विशेषज्ञ हैं जो ये कह रहे हैं कि जीडीपी 2% के आसपास चल रही है। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसका भी ग्रोथ रेट 12.1% से गिर के 0.6% हो गया है। इसी आर्थिक स्थिति में देश की अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी दर 45% के आसपास अभी वर्तमान में दिख रही है। देश का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पिछले 9 महीने से अपनी गिरती हुई बिक्री को लेकर के परेशान खड़ा है। देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले कपड़ा क्षेत्र में भी विकास दर नकारात्मक रहा है। वर्तमान में विकास दर 34.5% से ज़्यादा गिरा हुआ दिख रहा है। रियल एस्टेट सेक्टरों की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। 30 शहरों में 12 लाख से भी ज़्यादा घर बन के खड़े हैं, लेकिन इनके कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों की बात करें तो देश में न सिर्फ उत्पादन गिरा है, वरन रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, वरन कारखानों में नए उत्पादन नहीं हो रहे हैं। अभी जो भी कारखानों में कार्मिक काम कर रहे हैं उनके छटनी का भी डर दिख रहा है। कुल मिलाकर के देखें, ना उत्पादन बढ़ रहा है, ना रोजगार बढ़ रहा है, ना बिक्री बढ़ रही है, ना लोग बैंकों से लोन ले रहे हैं। एक तरह से देखें तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मंदी की गिरफ्त में जा रही है। अब इनके कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या उत्तरदायी कारण बताया जा रहा है वो है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के चलते मार्केट में 60% से ज़्यादा कैश फ्लो कम हो गया है। दूसरे इस डवाडोल होती आर्थिक स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बताया जा रहा है जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। जीएसटी को लागू करने में कई ऐसी पेचीदगियां जन्म ले रही हैं या फिर सामने आ रही हैं, जिसके वजह से हमारे छोटे और बड़े सारे उद्योग कर्मी बुरी तरह परेशान हैं। तीसरा जो कारण बताया जा रहा है वो है बजट 2019 में विदेशी निवेशकों के प्रति अपनाई गई नीतियाँ। कुछ ऐसे टैक्स लागू किए गए हैं जिसके वजह से भारत में विदेशी निवेश कम होने लगा है। अर्थव्यवस्था की इस वर्तमान स्थिति की चर्चा करें तो देश में बेरोजगारी चरम पर है। ONGC, BSNL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कई कंपनियां बर्बादी के कगार पर खड़ी हैं। बैंक फ्रॉड में 74% से भी ज़्यादा केसेस की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले एक वर्ष में 71,000 करोड़ रुपये का बैंक फ्रॉड हमारे सामने आया है। डीमोनेटाइजेशन होने के बाद कहा जा रहा था कि फेक करेंसी पर लगाम लगेगी। सरकार के पास फंड की खुद कमी है। इंडिपेंडेंट सोच वाले जितने भी लोग हैं धीरे धीरे छोड़ करके जा रहे हैं, जिसमें अरविंद पनगड़िया से लेके उर्जित पटेल जैसे लोग भी शामिल हैं। सरकार हर संस्था के ऊपर अपना कब्जा करते जा रही है। RBI की स्वायत्तता भी खतरे में है और कई बातें ऐसी हैं जो हमें सुनने को मिल रही हैं। कुल मिला के देखें तो वर्तमान आर्थिक स्थिति के यही कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जिनके बारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं। देश में जन विरोध के लगातार धरने प्रदर्शन आंदोलन आप देख ही रहे होंगे। एक तरह से देश में ये चीज़ें सामने हमारे आ रही हैं कि कारखानों में सामान है लेकिन खरीदार नहीं। कारखानों में छटनी लगातार जारी है। बीच में आपने पार्ले जी का भी न्यूज़ सुना होगा, तो कभी टाटा का तो कभी महिंद्रा का, ऐसे कई न्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं। एक गजब की आर्थिक स्थिति दिखाई दे रही है। इसमें सारा दोष मोदी फैक्टर को ठहराया जा रहा है या फिर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ही इस सभी परिस्थितियों के जिम्मेदार मानी जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। इस समस्या के समाधान के लिए कई सारे प्रयास किए गए। पिछले महीने की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औद्योग क्षेत्र के लिए 32 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की। 5 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज भी घोषित किया गया। GST से जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करने के बारे में भी बातें चल रही हैं। यही नहीं, बजट में जो विदेशी निवेशकों के लिए सुपर रिच सरचार्ज टैक्स की बात की गई थी उसे भी वापस ले लिया गया। यही नहीं, सरकारी विभागों को वाहन खरीदने का भी एक निर्देश जारी किया ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तेजी आ सके। इसके साथ साथ उद्योग राज्य मंत्री ने इस बात की भी चर्चा की है कि GST के रेट में भी चेंज किया जाएगा आने वाले टाइम पर। इसके बारे में सरकार कुछ नई घोषणाएं भी करने वाली है।
बैंकिंग क्षेत्र में भी कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। इसमें एक बैंकों का मर्जर है, कहा यही जा रहा है इससे बैंकों के कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, फ्रॉड केसेस के ऊपर लगाम लगेगा और एक यूनिफिकेशन ऑफ जो बैंकिंग चल रही है उससे एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली हमारे सामने आएगी। ऐसे कई छोटे और अन्य बड़े प्रयास हैं जो सरकार अपने स्तर पर कर रही है। आज की इस कमजोर होती आर्थिक स्थिति कोई नई बात नहीं है। अर्थव्यवस्था की एक नियति होती है, कभी वो बूम करता है तो कभी वो रिसेशन में चला जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई अर्थशास्त्री इस बात की सही और सटीक भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकता। अर्थव्यवस्था की तमाम नीतियां अनुमान के ऊपर ही आधारित होते हैं और सिर्फ अनुमान के आधार पर ही कार्य को संपन्न किया जाता है। समस्या तब होती है जब इस डवाडोल होती स्थिति के लिए किसी व्यक्ति विशेष की नीतियों को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज के मीडिया संस्थानों से जितने भी टेलीविजन या फिर न्यूज़पेपर प्रकाशित हो रहे हैं उनसे निष्पक्षता की उम्मीद करना बेमानी है। ये प्रायः माहौल को बनाते हैं अथवा बिगाड़ते हैं। यह खेल कोई आज का नहीं है, बहुत पहले से ही यह खेल खेला जा रहा है। पहले सरकारें जो चाहती थीं वही रिपोर्ट हमारे सामने आती थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तब से सरकारों का इनके ऊपर नियंत्रण खत्म हो गया है। आज सभी तरह के समाचार या फिर इससे जुड़ी हुई घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं और हम इन्हें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछले 70 वर्षों में कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कभी भी मीडिया में मुख्य चर्चा का विषय नहीं बने। आज की अगर आर्थिक स्थिति को देखें तो कृषि क्षेत्र का विकास निसंदेह गिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन पिछले 70 वर्षों में कृषि के विकास के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई इनके ऊपर कभी निष्पक्षता से बहस नहीं की गई। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका लाभ पिछले 70 वर्षों से 2-3 राज्यों में ही क्यों सिमटा है इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती। आज भी हमारे किसान हजारों वर्ष के वही हल बैल तकनीक से कृषि क्यों करते हैं, शायद ही इस पर कभी कोई चर्चा हुई है। देश के 85% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीनें अभी भी क्यों हैं, इस मुद्दे के ऊपर भी शायद ही गंभीरता से कभी चर्चा हुई। गांव के विकास के नाम पर जितनी भी बनी योजनाएं हैं वो सब के सब फेल क्यों हो गई, इस मुद्दे के ऊपर भी कभी चर्चा होती दिखी नहीं है। देश में 350 मिलियन टन से ज़्यादा बफर स्टॉक है, फिर भी आज गेहूं का रेट खुदरे में 30 रुपए किलो से ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, इस मुद्दे के ऊपर भी मीडिया में कभी चर्चा नहीं हुई। FCI के गोदामों को देखिए, उसमें सड़ते हुए अनाजों को देखिए। पिछले 70 वर्षों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकारों ने FCI के भंडारण के लिए क्या किया, क्यों नहीं FCI के गोदामों को सुधारने का प्रयास किया। आज की गरीबी और बेरोजगारी के बारे में भी जानिए। स्वतंत्रता के बाद से ही कितने गरीब हैं और कितने बेरोजगार हैं, आज तक इनके बारे में कोई सही आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया है। याद करिए 2012 और 13 के सुरेश तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट को। भारत में गरीब कितने हैं और गरीब की जनसंख्या कितनी है, इसको जानने के लिए यह कमेटी बनाई गई थी। सबसे शर्मनाक स्थिति तो तब आई जब इन्होंने मानक बताया कि जो व्यक्ति 30 रुपए प्रतिदिन कमाता है वो गरीब नहीं है। इसके अलावा कई ऐसी कमेटियां गरीबी के निर्धारण के लिए बनती रहीं, लेकिन देश में गरीब कितने हैं इसके बारे में आज 70 वर्षों के बाद भी कोई ऑथेंटिकेट डाटा हमारे सामने नहीं है। आज स्टेट बैंक के विलय के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय बैंकों के विलय की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके पहले भी 45 बैंक भारत में मर्ज हो चुके हैं। इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती कि 1990 के पहले भी मर्ज हुए और 1990 के बाद भी मर्ज हुए, वो क्यों हुए। रही बात बैंक फ्रॉड की, तो आज माल्या, नीरव मोदी और चौकसी दिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी 114 ऐसे भयंकर बैंक फ्रॉड के केस हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर भी कभी गंभीरता से चर्चा नहीं हुई। देश में किसी भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों से पूछिए कि महंगाई की गणना कैसे की जाती है तो वो मुस्कुरा के रह जाएंगे। आज भी हमारे देश में महंगाई की गणना के लिए जो भी तकनीकें अपनाई जाती हैं उसे कहीं भी वास्तविक महंगाई की गणना सामने नहीं आती। पिछले 70 वर्षों से यह एक तरह से महंगाई के नाम पर हमें आंकड़ों के भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है। ज्यादा नहीं तो एक अर्थशास्त्री हैं गुनरॉल मेटरल, उनकी एक पुस्तक है एशियन ड्रामा, अगर इनको पढ़ लीजिए तो पता लग जाएगा कि एशियाई देशों में किस प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं और उस समय के प्रचलित सरकारों ने ही आर्थिक नीतियों के माध्यम से
देश को गुमराह करने के रणनीतियों के ऊपर अपनी सरकारें चलाएं। यही नहीं, 2012-13 की स्थिति के ऊपर एक बार फिर जाइए। एक संस्था है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन्होंने एक रिपोर्ट दी कि देश में 50 बड़े और 5000 छोटे आर्थिक घोटाले हो चुके हैं, शायद ही किसी को सजा हुई है। यही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज के ऊपर नजर रखने के लिए एक संस्था है सीबीसी, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी कि देश के 80% से भी ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट पाए गए हैं, लेकिन शायद ही आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी को सजा हो पाई है। सरकारी विभागों के क्या हालात हैं, किसी से छुपी नहीं। शायद ही ऐसा कोई भारत सरकार का विभाग होगा या फिर राज्य सरकारों का विभाग होगा जिसमें बिना रिश्वत दिए कोई काम सफलतापूर्वक संचालित हो सके। सबको पता है 90 के दशक के पहले लाइसेंस कोटा के नाम पर किस तरह अर्थव्यवस्था को लूटा गया, इसे रोकने का शायद ही कोई प्रयास किया गया हो। 90 के दशक के बाद भी आर्थिक सुधारों में भ्रष्टाचार का कितना बड़ा योगदान है यह सब जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। एक संस्था है ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इसकी रिपोर्ट को झांके तो देश की हर दूसरी कंपनी विदेशी मुद्रा उल्लंघन में फंसी है, अर्थात वह काले धन को सफेद कर रही है, लेकिन शायद ही कभी समाचार पत्रों में इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक बहस हुई हो। देश की अदालतों का क्या हाल है, यह भी हमसे नहीं छुपा। एक पूर्व न्यायाधीश ने ही हमसे कहा है कि देश के 90% से 98% मामले पैसे से प्रभावित होते हैं, हम इन्हें कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। शायद ही इसके ऊपर कभी गंभीरता से चर्चा हुई हो कि अगर ये स्थिति है तो इसे कैसे सुधारें। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि पिछले 70 वर्षों से हमारी आर्थिक स्थिति का कबाड़ा कैसे जारी है। ऐसा नहीं है कि उपलब्धियां नहीं है, आज जो भी उपलब्धियां देखी जा रही हैं वो पिछले 70 सालों के विकास की रणनीतियों का ही एक उदाहरण है जो हमारे सामने है। दुख की बात तो ये कि पिछले 70 सालों की इस गतिमान आर्थिक स्थिति की जितनी भी परिस्थितियां हैं उसे वो वर्तमान की मोदी सरकार की उपलब्धियों के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। एक गुमराह की स्थिति बनाई जा रही है कि पिछले 4 या 5 साल में जो भी मोदी सरकार ने नीतियां बनाई हैं उसकी यह एक परिणाम है। पिछले 25 सालों से नकली नोटों का धंधा हमारे देश में सामने दिख रहा है। एक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार जितनी हमारी इकोनॉमी है उसका पैरलर ब्लैक मनी हमारी इकोनॉमी में चल रहा है या नकली नोट तैर रहे हैं। कभी किसी ने इस नकली नोटों को रोकने का प्रयास किया, इसको रोका तो डीमोनेटाइजेशन के चलते ही सारे नकली नोटों का कारोबार बंद हुआ। थोड़े बहुत फेक करेंसी आई है उसके ऊपर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बैंकों से खूब लोन बांटे गए हैं। 2014-15 की आर्थिक स्थिति को देखें तो बैंक के डूबे हुए ऋण हमारे सामने खड़े थे, लेकिन कभी भी इन डूबे हुए ऋण को वसूलने के लिए कोई कठोर नीति का पालन नहीं किया गया। अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं किया जाता तो हमारा बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता। सरकार जानबूझ करके इन सारे समाचारों को सामने नहीं लेके आई, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़े न्यूज बैंकिंग इंडस्ट्री होते हैं, वो क्राइसिस में है, वो बर्बाद होने के कगार में है। अगर ये न्यूज जाती तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी काफ़ी बदनामी होती, लेकिन इस डवाडोल आर्थिक स्थिति को अगर किसी ने रोका है तो वो डीमोनेटाइजेशन है। देश में ब्लैक मनी का कारोबार कैसे सामने खड़ा है, कैसे वो इकोनॉमी के हर सेक्टर को प्रभावित कर रहा है, सिर्फ इसके ऊपर बातें हुई, कभी किसी ने इसको रोकने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। इस चीज को भी रोका है तो डीमोनेटाइजेशन है। आज सिर्फ डीमोनेटाइजेशन के चलते ही फेक करेंसी और ब्लैक मनी काफी हद तक थमी हुई है। सब जानते हैं कि रियल एस्टेट का कारोबार किस पे खड़ा है। किसी भी एक आर्थिक विशेषज्ञ से पूछ लें तो भारत में पूरे हर छोटे बड़े शहरों में रियल एस्टेट खड़ा ही है ब्लैक मनी पर। जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ और जब से डिजिटल इकोनॉमी हुआ तब से रियल एस्टेट में ब्लैक मनी का लगना बंद हुआ है। आज जो 30 शहरों में लाखों मकान बिक्री के लिए बन के खड़े हैं और वो बिक भी नहीं पा रहे हैं या रुके हुए हैं, यह सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी का एक साइड इफेक्ट है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए। तो आज इसे ऋणात्मक स्थिति बता करके, मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों के दोषी बताते हमें गुमराह किया जा रहा है। यह सब जानते हैं कि विदेशी निवेशकों के रूप में किस प्रकार काला धन भारत में आ रहा है, लेकिन इसको रोकने की शायद ही कभी कोशिश की गई। एक शब्द है पी नोट्स, गूगल पे जाइए और सर्च करिए, तब आपको पता लगेगा कि पी नोट्स के ही माध्यम से सरकार एक तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी होते हुए देख रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रही है। शायद पहली बार 2019 के बजट में
विदेशी निवेशकों को नियंत्रित करने के लिए कुछ टैक्स प्रोविजन किए गए जिससे विदेशी निवेश गुरा। हालांकि कमजोर होती आर्थिक स्थिति को इस सरचार्ज को बाहर कर दिया गया। ये सही है कि मार्केट में कैश की फ्लो कम हो गई है, लेकिन महंगाई नियंत्रण में इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। पिछले 10 साल की आर्थिक स्थिति के ऊपर नजर डालें। हर साल गर्मियों के मौसम में प्याज 80 रुपए किलो तक जाता था, लेकिन पिछले 3 सालों से ऐसी स्थिति नहीं बनी है। याद करिए वो दिन भी जब दालें 120 रुपए तक पहुंच चुकी थी। लेकिन किस प्रकार डिमोनेटाइजेशन ने इन बढ़ती हुई महंगाइयों को थामा है, इसके ऊपर शायद ही कभी गंभीरता से चर्चा हुई हो। दूरदर्शन, BSNL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे तमाम सरकारी संस्थान 1990 के पहले सरकार के नियंत्रण में थे, लेकिन 1990 के पश्चात जैसे जैसे निजी कंपनियां आईं, उनमें जो भी प्रतिस्पर्धा का एक वातावरण पनपा, सरकार ने कभी गंभीरतापूर्वक कोशिश नहीं की कि अपने सरकारी संस्थाओं को भी सुधार करें। आज दूरदर्शन हमारे सामने मरता हुआ खड़ा है। यही स्थिति भारतीय रेल की भी है और BSNL के भी है। शायद ही पिछले 70 सालों में हमारी घरेलू आर्थिक सरकारी उद्योगों को सुधारने का या फिर उनके परफॉर्मेंस को ठीक करने का कभी गंभीरतापूर्वक प्रयास किया हो। भारत के सारे सरकारी उद्योग तो पिछड़ेंगे ही। आज शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जो दूरदर्शन के सामने बैठ करके या दूरदर्शन को देखता होगा। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। वामपंथी आर्थिक विचारों से प्रभावित लोगों ने हमेशा पिछड़ते हुए घाटे में चलने वाले सरकारी संस्थाओं को पाला पोसा। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार की होने वाली गतिविधियों के ऊपर आंखें मूंद ली और इसे मन ही मन प्रोत्साहित किया। ऐसी कई स्थितियों के ऊपर भी बहस की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इन मुद्दों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की अपेक्षा कैसे कमजोर होती आर्थिक स्थिति को थामा जाए और सुधारा जाए, हमारा जोर इस बात पर होना चाहिए। दुखद बात यह है कि मीडिया संस्थान के तमाम जितने भी माध्यम हैं वो सिर्फ सरकारों के पक्ष में या तो माहौल बनाते हैं या तो माहौल बिगाड़ते हैं। पिछले कई सालों से यह दस्तूर हमारे सामने है, इसे हम देख रहे हैं। हर राजनीतिक दल इन्हीं आंकड़ों की मगजमारियों में अपना अपना हित साधने में लगे हुए हैं। ज़्यादा नहीं, अभी वर्तमान में यह चर्चा का विषय बने हुआ है कि दिल्ली के सरकार का विकास रेट या ग्रोथ रेट भारत सरकार के ग्रोथ रेट से कहीं ज़्यादा है, लेकिन अगर आम लोगों से पूछे तो कहीं भी ये विकास दिखाई नहीं दे रहा है। यह विकास बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह कभी नीतीश बाबू ने बिहार के विकास को 12-14% बता करके पूरे बिहार ही नहीं देश की जनता को गुमराह किया। कभी इसी तरह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी रेलवे के आर्थिक विकासों के आंकड़े जारी करके भारत को गुमराह किया। अभी भी वर्तमान में यही स्थिति चल रही है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार कारक है बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके साथ साथ सरकारी उद्योगों की एक जो मानसिकता बनाई गई या सरकारी क्षेत्रों की, जिसने भ्रष्टाचार को पाला पोसा और बढ़ा। आज भी हिंदी भाषी राज्यों में जो सरकारी नौकरियों के प्रति एक मोह बना हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है बढ़ते हुए भ्रष्टाचार में हिस्सा लेने की एक चाहत। सबसे बड़े बेरोजगारी के कारणों में से एक कारण यह भी है जो हिंदी भाषी राज्यों में सबसे प्रमुख रूप से हमारे सामने दिख रहा है। लेकिन जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कंट्रोल करने की बात की जाती है, देश के राजनीतिक विचारधारा में कोहराम मच जाता है और इसे सांप्रदायिक और फांसीवादी न जाने कैसे कैसे आरोप लगा करके बंद कर दिया जाता है। लेकिन जनसंख्या आर्थिक विकास को सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित करती है, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी अर्थव्यवस्था की एक सीमित जानकारी रखने वाले लोग भी बता सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के ऊपर कैसे अभिशाप बनती जा रही है। लेकिन इन तमाम बातों का शायद ही कोई असर हो। देश की आर्थिक स्थिति अभी डमाडोल है, इसमें कोई शक नहीं। डिजिटलाइजेशन, GST के इम्प्लीमेंटेशन से लेके कई अन्य आर्थिक नीतियाँ भी इससे संबंधित हैं, इसमें भी कहीं दो राय हैं। लेकिन हम इनके ऊपर या तो आरोपण करें, या तो फिर एक व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराएं, या फिर इसको हम सुधारें, या फिर हम सरकार पे जोर डाल करके वैसी नीतियों बनाने के ऊपर जोर दें जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिले या फिर अन्य और आर्थिक समस्याएं दूर हों। पिछले 10 सालों का कार्यकाल कैसा था, किस प्रकार बड़े बड़े घोटाले हुए, ये हम देख चुके हैं। लोकतंत्र में विरोध की सीमा होनी चाहिए, लोकतंत्र की यही विशेषता है। लेकिन जब लोकतंत्र में लोग आंकड़ों की मगजमारियों में गुमराह होने लगे, मीडिया संस्थान राजनीतिक दलों के पक्ष में और विपक्ष में गुमराह करने लगे, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जो चीज़ें हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक हो। धन्यवाद।